न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में एक बार फिर दस्तक दी है, लेकिन जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं उससे आपको पता लगेगा कि कोरोना काल ने लोगों के अंदर की संवेदनशीलता को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल आपदा में अवसर और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था। भारत में कुछ लोगों ने इसके अपने ही मतलब निकाल लिए हैं। इन लोगों ने मानवता को शर्मसार करने वाले काम भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन, रेमडेसिविर की कालाबाजारी और तस्करी के तमाम मामले तो लगातार सामने आ ही रहे थे। अब इन इंजेक्शन की मार्केट में नकली खेप भी पहुंच चुकी है। रेमडेसिविर की मांग कितनी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरा ट्विटर इसकी मांग वाले ट्वीट से पटा पड़ा है। वहीं रेमडेसिविर को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत इसकी कीमत है, जो इसकी कालाबाजारी को बढ़ने का मौका दे रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों की तुलना में कम आय और मध्यम आय वाले देशों में हर 100 चिकित्सा उत्पादों में से लगभग 10 नकली या कम गुणवत्ता वाले होते हैं। विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे सबसे बड़े देश भारत में नकली दवाओं का व्यापार कई हजार करोड़ का है। वहीं इन नकली दवाओं का इस्तेमाल कोरोना महामारी के लिए मुश्किल समय में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भारत की गरीब जनता के लिए ये जीवन रक्षक दवाएं वैसी ही महंगी रहती हैं, जिसकी वजह से नकली दवाओं का धंधा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हाल ही में इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक बड़ी खेप मिली है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर के निर्यात पर बैन लगा दिया है, लेकिन फिर भी ये बाजारों में बामुश्किल ही मिल रही है। मरीजों के रिश्तेदार रेमडेसिविर के लिए दर दर भटक रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मदद मांगी जा रही है, लेकिन सिस्टम के लिए सबसे शर्म की बात तो ये है कि जो इंजेक्शन बाजारों में नहीं मिल रहा है वो इंजेक्शन OLX जैसी साइटों पर मिल रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन बढ़ाने को लेकर जानकारी दी थी। भारत में रेमडेसिविर का उत्पादन 28 लाख सीसी प्रति माह से बढ़कर 41 लाख प्रति माह सीसी हो गया था, लेकिन ये सभी कोशिशें कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बहुत छोटी नजर आती हैं। कोरोना संक्रमण से ग्रस्त मरीज के उपचार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की 6 डोज इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है 41 लाख इंजेक्शन का आंकड़ा तो बहुत छोटा मालूम पड़ता है। सरकार ने कई ब्रांडेड कंपनियों के इस इंजेक्शन की कीमत भी 5400 से घटाकर 3500 रुपये कर दी है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि बाजार में यह इंजेक्शन 900 से 1000 रुपये में भी मिल जाता है। इसकी कीमत पर सरकार का कोई नियंत्रण तो नहीं है। पूरी सरकारी मशीनरी होने के बावजूद भी सरकार इसकी कालाबाजारी को नहीं रोक पा रही है। सरकार ने इसकी खरीद और बिक्री के लिए क्या सिस्टम बनाया है, लोगों को तो इसकी जानकारी ही नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कालाबाजारी और नकली दवाओं का कारोबार किस तरह से बढ़ रहा है। कोरोना विरोधी मतलब कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी अगर बात की जाए तो देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने टीकाकरण को 25 से ऊपर उम्र के सभी लोगों के लिए शुरू करने की मांग की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वैक्सीन को ओपन मार्केट में बेचने की मांग करने के साथ सर्वाधिक प्रभावित शहरों में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करने का सुझाव भी दिया है। निश्चित तौर पर इन सभी मुख्यमंत्रियों ने अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन ऐसा करने से कालाबाजारी और नकली दवाओं का कारोबार करने वालों को तो और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अभी तो केवल रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन और कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं। वैक्सीन के ओपन मार्केट में आ जाने के बाद इसकी भी कालाबाजारी होने और नकली वैक्सीन आने की संभावना बढ़ जाएगी। दिल्ली में कई अस्पतालों में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की अनदेखी करते हुए कई लोगों को टीका लगाया गया था जो 45 साल से कम उम्र के थे। इस तरह की घटनाएं वैक्सीन को लेकर ऐसी आशंकाओं को बल देती हैं। इस स्थिति में ओपन मार्केट में वैक्सीन लाने के फैसले से कालाबाजारी और नकली वैक्सीन के साथ अराजकता फैलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। भोपाल में रेमडेसिविर के 800 इंजेक्शन चोरी होने की घटना इसकी एक वानगी है। इस समय देश में हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए वैक्सीन चाहिए और वह इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। जो लोग वैक्सीन का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए स्थितियां और भी गंभीर हो जाएंगी। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के सामने कई समस्याएं हैं और इसका हल फिलहाल सरकार के पास भी नज़र नहीं आता। भारत में वैक्सीन बनाने के लिए ज़रूरी कच्चे माल की कमी के कारण अप्रैल माह में उत्पादन पर असर देखने को मिला है। 45 लाख डोज प्रतिदिन का औसत बीते 10 दिनों में 30 लाख पर आ चुका है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऊपर से अब मार्केट में नकली दवाओं ने भी खतरा बढ़ा दिया है। भारत में जहां एक तरफ अस्पतालों के अंदर और बाहर भीड़ देखने को मिल रही है, हालात काफ़ी ख़राब है,
तो ऐसे में दवाइयों के नाम पर भी व्यापार करते लोगों के लिए ये कहना ठीक ही होगा कि ये लोग कोरोना से भी ज़्यादा घातक हैं, ये लोग मानवता के नाम पर धब्बा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।